पुलिस के हत्थे चढ़ा मोटरसाइकिल चोर। सीओ सिटी गिरीश कुमार सिंह के नेतृत्व में बस्ती कोतवाल रामपाल यादव, स्टीम प्रभारी राजकुमार पांडे, एसओजी टीम प्रभारी निरीक्षक मृत्युंजय पाठक की टीम के साथ चोरी करने वाले वाहनों के 3 अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार। पुलिस ने राहुल कुमार, अमर कुमार, नितेश दिनेश चंद्र को किया गिरफ्तार। पुलिस ने अभियुक्तों के पास 4 मोटरसाइकिल एविल रिम सहित 20 मोटरसाइकिल ऑलिव ऑयल बरामद किए। शातिर चोर गाड़ियों को भीड़ भाड़ वाले इलाके से चुरा कर एकांत जगह ले जाकर पार्ट खोलकर कबाड़ियों में बेच देते थे। सब्सक्राइब नाउ एंड प्रेस द बेल आइकन, नेवर मिस एन अपडेट। जो कोतवाली पुलिस है, एसओजी टीम है और स्वाट टीम है, ये लगातार काम कर रही थी और इन्होंने काफ़ी कुछ सर्विलांस से और मुखबिरी से एक वाहन चोर का गैंग इन्होंने आइडेंटिफाई किया। और जब पता लगा तो ये पता लगा कि ये गैंग सक्रिय है और इसका एक मेंबर जिसके अगर गैंगस्टर भी लगा था, अभी हाल ही में कुछ दिनों पहले ये जुटा था और उसके बाद फिर सक्रिय हो गया था। तो इसमें 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। इसमें राहुल कुमार पुत्र रामचंद, ये बड़े वन हवेली खास पुरानी बस्ती जनपद बस्ती का है, अमर कुमार है, ये भी बड़े वन का रहने वाला है, और दिनेश चंद्र पुत्र रामनाथ, ये कबाड़ी है जो चोरी के मोटरसाइकिल पार्ट्स को खरीदता था, बारी डीहा थाना महोली जनपद संत कबीर नगर। और यहाँ हरदिया चौराहा थाना कोतवाली के पास इसकी कबाड़ की दुकान थी जो बरामदगी हुई है। उसमें 4 अदद मोटरसाइकिल बरामद हुई है। 4 अदद मोटरसाइकिल टायर में एलाइविल रिम सहित बरामद हुए हैं और 20 अदद मोटरसाइकिलों के एलाइविल रिम बरामद हुए हैं। राहुल कुमार के बारे में जैसा कि मैंने बताया कि ये इसके विरुद्ध गैंगस्टर भी कायम हुआ था, जिसका मुकदमा पास संख्या 577/19 है जो कोतवाली से बंद हुआ था। इसके अलावा 456/2019, 457, 380, 411
में ये बंद हुआ है और इसके अलावा 484/2020 179/411 में ये बंद हुआ है। आज जो इनकी बरामदगी के बारे में जो इन अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है उनके बारे में 498/2020 धारा 379/411/414/419/420/467/468/471 IPC का पंजीकृत हुआ है। वाहन चोरों की इन गिरफ्तारी से निश्चय ही इस तरह के अपराध को रोकने में कामयाबी मिली। सर कितने दिनों से गिरोह जो सक्रिय था? मैंने बताया कि पिछले एक दो महीने में ये गिरोह सक्रिय था, अभी इनका इंट्रोगेशन भी हो रहा है, अभी और भी जानकारी इनसे प्राप्त की जा रही है, इनके सर्वलांस के माध्यम से इनके मोबाइल नंबर को भी खंगाला जा रहा है, अभी और भी इसमें काम होना बाकी है, जैसे जैसे पता लगेगा आपको जानकारी दी जाएगी।